प्लीज आप लोग साइट विजिट करें, साइट विजिट करने के बाद आप खुद देखें कि हमारा मोर देन 80% काम कंप्लीट हो चुका है और इस साल जो प्रदर्शन का वादा है इंशाल्लाह वो तो हो गई, साथ में ऑफर डिस्काउंट मिलेगा वो अलग से। और अगर देखना है देखना पड़ेगा इंशाल्लाह आप लोगों को, तो पिकअप एंड ड्रॉप फ्री है हमारा, पिकअप एंड ड्रॉप ले, यहाँ पर है खाली सैंपल फ्लैट देखे बॉस, लिटरली मजा आ जाएगा। और मैंने फिर बताया था आपको स्टार्टिंग में, ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये फ्लैट नहीं है, टाइटेनिक जहाज है, जहाज। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमेशा की तरह कॉल करना, कॉल बिजी आए तो मैसेज करना। अल्लाह हाफिज। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। यूपी के आजमगढ़ से ड्रग्स का तार महाराष्ट्र में जुड़ा था और ड्रग्स की फैक्ट्री यहां पर चलाई जा रही थी, नौजवानों में जहर घोला जा रहा था, नशे के कारोबारी नौजवानों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे थे, मगर महाराष्ट्र की ठाणे क्राइम ब्रांच ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जनवरी के महीने में ही क्राइम ब्रांच ने उत्तर प्रदेश में ही 27 करोड़ के ड्रग्स का भंडाफोड़ किया था और इसी केस में छानबीन करते हुए अब आजमगढ़ के एक गांव में ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया है और 20 करोड़ 18 लाख रुपए का मुद्देमाल जब्त किया गया है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ठाणे पुलिस की एक महिला ऑफिसर रूपाली पोल करीब महीने भर आजमगढ़ के उस गांव में रहकर ड्रग्स फैक्ट्री की मालूमात इकट्ठा की और यूपी एसटीएफ और ठाणे क्राइम ब्रांच की टीम ने मिलकर ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। इस ड्रग्स फैक्ट्री का मास्टरमाइंड था संदीप इंद्रजीत तिवारी, इसके अलावा विजय रामपाल यादव, साथी बिंदु, अनिल जायसवाल, नीलेश पांडे, विजय पाल, ये 6 ड्रग्स के सौदागरों को अब ठाणे क्राइम ब्रांच ने सलाखों के पीछे भेज दिया है। जैसे कि आप जानते हैं जनवरी 2024 में एक हमने फैक्ट्री यूपी में बस की थी और उसमें लगभग 27 करोड़ का माल उसमें बरामद किया गया था। उसमें सीनियर पीआई दिलीप पाटिल और उनकी एपीआई पोल मैडम, उनका मेजर कंट्रीब्यूशन था। तो उसमें हमने लगभग उसका ही आगे इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। इसके दौरान हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन थी कि इसमें और कुछ लोग इन्वॉल्व है, और कुछ फैक्ट्रियाँ इसमें अभी भी सेटअप उनका उत्तर प्रदेश में है, तो और उसका कनेक्शन महाराष्ट्र से है, सेल करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो उसके हिसाब से ये पे पोल मैडम वहाँ पे फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पे लगभग 2 हफ्ते वहाँ पे रही। वहाँ पे एसटीएफ उत्तर प्रदेश के जो ऑफिसर है अनिल कुमार सिंह साहब, इन्होंने भी उसमें बाकायदा पूरा मॉनिटर किया और इसके हिसाब से हमें 3 फैक्ट्रियाँ लोकेट हुई और कुछ लोग जो आरोपी हमने अभी पकड़े वो भी लोकेट हुए। तो उसके हिसाब से हमने फिर एक रेकी होने के बाद पूरा कार्रवाई एक दिन हमने करने का सोचा और उसके हिसाब से पूरी 4 टीम हमारे महाराष्ट्र से वहाँ पे गई और एसटीएफ की लगभग 7 टीम वहाँ पे साथ में थी। इसमें सब मॉनिटरिंग सीपी ठाणे आशुतोष डुमरे सर कर रहे थे, एडिशनल सीपी पंजाबराव उगले सर भी यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे थे और एसीपी नीलेश सोनोने साहब इसको लीड कर रहे थे और ये पूरी टीम दिलीप पाटिल साहब, एपीएफ पोल मैडम और बाकी हमारे ऑफिसर वहाँ पे और कांस्टेबल यादव, ये सब वहाँ पे थे। तो इसमें हमने जब रेड की तो वहाँ पे लगभग 2 फैक्ट्री हमने बस्ट की और लगभग जो माल मटेरियल मिक्सचर जो तैयार था वो मिक्सचर लगभग 6-7 घंटे में एमडी में उसको कन्वर्ट होता है बॉयल करके, तो वो मिक्सचर हमें वहाँ पे मिला। एमडी तैयार जो था वो कुछ मतलब कुछ घंटे पहले वहाँ से निकल गया था। तो ये जो हमें मिक्सचर मिला है वो लगभग 20,18,49,000 का ये मिक्सचर हमने पकड़ा है। तो ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पे हमें मिली है और उसमें मेन आरोपी 6 हमने पकड़े हैं जो कि ये सब रैकेट चलाते थे। जनवरी में भी ये वांटेड थे और ये भी जो फैक्ट्री हमने ये की है उसमें भी ये वांटेड थे। इसमें मेन आरोपी है संदीप इंद्रजीत तिवारी जो रहने वाला वाराणसी का है और ये सब मिक्सचर और ये केमिकल और टेक्निकल जो गाइडेंस था वो सब फैक्ट्रियों को यही करता था। उसके साथ एक विजय रामपाल यादव रहने वाला वाराणसी का है और बिंदु जो कई पटेल ये भी रहने वाला वाराणसी का, ये 3 मेन आरोपी थे जो ये सब मॉनिटर करते थे और उनके साथ हमने अनिल जायसवाल, नीलेश पांडे और विजय पाल ये आरोपी भी हमने पकड़े है। तो लगभग ये पूरा गिरोह जो ये ड्रग रैकेट में था ये सब हमने पकड़ा है। अभी जो इसके सप्लाई करने वाले जो ये फैक्ट्री से लेके आने आके बेचने वाले हैं
वो अभी अरेस्ट करने बाकी है, उसका भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और उसमें आगे जाके और भी लोग अरेस्ट होने वाले हैं। तो एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई यहाँ पे थाना पुलिस और एसटीएफ उत्तर प्रदेश के जो है साथ में मिलकर की है। इसमें एसटीएफ के ऑफिसर एडिशनल एसपी विनोद कुमार सिंह ये भी इसमें साथ में हमारे काम कर रहे थे, पुलिस निरीक्षक अनिल कुमार सिंह, पुलिस निरीक्षक अरविंद यादव, पुलिस निरीक्षक अमित श्रीवास्तव और यहाँ से पीआई दिलीप पाटिल साहब और एपीआई पोल मैडम ये सब इसको लीड कर रहे थे और बहुत ही अच्छा कार्रवाई यहाँ पे थाना पुलिस आयुक्त ने की है। सर, जिस तरीके से फैक्ट्री बस्ट किया गया है, जिस तरीके से आपके अधिकारी वहाँ पे रहते हैं, वहाँ गांव वालों के साथ घुलना मिलना, उसको लेकर कितना चैलेंज होता है, इस तरीके से फैक्ट्री को जो है बस्ट करेंगे? निश्चित रूप से जो हमने जैसे समझो इन्फॉर्मेशन फैक्ट्री की निकालनी है तो पहले तो जनवरी में ये कार्रवाई होने के बाद सब आरोपी थोड़ा अलर्ट हो गए थे और उसके बाद में लिटरली ये आरोपी पोल मैडम और यूनिट वन का क्या मूवमेंट है इसके ऊपर वॉच रख रहे थे। तो ये होते समय ये ऑब्स्टेकल होने के बावजूद पोल मैडम ने वहाँ पे जाके खुद को हाइड करके वहाँ पे इंफॉर्मेशन निकालना, वहाँ पे फैक्ट्री लोकेट करना, आरोपियों को लोकेट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था और ये एपीआई पोल मैडम ने एकदम बेखूबी निभाया है और ये बहुत ही चैलेंजिंग जॉब था और उसमें सक्सेस मिलना बहुत इम्पोर्टेंट था, तो वो सक्सेस भी हमें मिला है। तो इसमें बहुत ही बड़ी कार्रवाई यहाँ पे हुई है और इस ये जो हमारे यूनिट वन के दिलीप पाटिल सर साहब है, एपीआई पोल मैडम है, पीएसआई भिलारे है, एपीआई एएसआई महापुरे, पुलिस हवलदार मोटे, पुलिस हवलदार निकुम, पुलिस हवलदार फरास ये सब और पुलिस सिपाही विजय यादव जिसने वहाँ पे जाके पूरा वॉच किया और हमारे जो पीएसआई कोल्हापुरे साहब, पीएसआई पीसी भोसले, पीसी महेश कांबळे ये टेक्निकल गाइडेंस और टेक्निकल बैकअप जो टीम को दे रहे थे ये सब यहाँ पे, उधर भी कुछ लोग शामिल थे, तो ये सब टीम ने बहुत ही बढ़िया काम करके बहुत बड़ा रैकेट हमने यहाँ पे बस किया। सर, आपके माध्यम से युवाओं को क्या मैसेज रहेगा, इस तरीके से जो नशे के आदि होती है उसका क्या दुष्परिणाम होता है, इस तरीके से इससे क्यों दूर रहने की कोशिश की? निश्चित रूप से हम देखेंगे तो अभी जो अमली पदार्थ का सेवन है या बेचने का जो ये है ये सब बढ़ गया है, तो ये युवा पीढ़ी इसमें बहुत ज़्यादा टारगेट रहती है, तो युवा पीढ़ी को मेरा एक ही बोलना है कि ये जो एक टेम्पररी आपको नशा मिलता है लेकिन इससे पूरा बॉडी के ऊपर, आपके मेडिकल फिजिक के ऊपर पूरा इसके ऊपर बहुत ही बुरा असर होता है और पूरा मानसिक संतुलन भी इसमें खो चुके हैं, कोई कहाँ पे डेथ भी इसकी एक्सट्रीम कंडीशन में होती है, तो युवाओं ने सतर्क होना जरूरी है और ये अवॉइड करना चाहिए। ये जो टेम्पररी जो कुछ नशा करके आपको ये मिलता है, सुकून मिलता है, वो टेम्पररी रहता है, परमानेंट नहीं है, तो इसमें पेरेंट ने भी हमारे बच्चे कहाँ पे जाते हैं क्या करते हैं इसके ऊपर वॉच रखना चाहिए। स्कूल इंस्टीट्यूट है, कॉलेज इंस्टीट्यूट है, उन्होंने भी हमारे स्कूल के बच्चों में क्या चल रहा है, आसपास कुछ ये अमली पदार्थ बेच रहे हैं नहीं बेच रहे, इसका वॉच रखना चाहिए और ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है तो पुलिस को इन्फॉर्म करनी चाहिए और सब मीडिया हो या आम सिटीजन हो सब ने इसके ऊपर वॉच रखना चाहिए, ये आगे जाके हमारे घर तक भी पहुंच सकता है, हमने देखना चाहिए और अगर ऐसा हमारे एरिया में कहाँ पे भी ऐसा दिखाई दे तो निश्चित रूप से ये पुलिस को इन्फॉर्म करके हम जो